हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो क्रिक टेक। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग घर पर होम प्रैक्टिस सेटअप तैयार कर सकते हो, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, वो भी बिना किसी पैसे को खर्च किए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाता हूं कि जैसे आप लोग घर पर किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, ग्राउंड के साथ साथ आप घर पर अपनी प्रैक्टिस को किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हो। ज्यादातर मेरी वीडियोस इसी टॉपिक के ऊपर होती है, लेकिन मैं ग्राउंड से रिलेटेड और घर से रिलेटेड दोनों ही टॉपिक को कवर करने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस करने में भी मजा आए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरह से मैंने घर पर सेटअप तैयार किया हुआ है अपनी प्रैक्टिस के लिए। एक एक करके मैं आपको सारी डिटेल में ड्रिल्स बताऊंगा कि मैं किस तरह से हैंगिंग बॉल का सेटअप तैयार किया हुआ है, किस तरह से कोन के थ्रू मैं प्रैक्टिस करता हूं और किस तरह से मैं नॉकिंग करता हूं। सारी डिटेल में आपको वीडियोस दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो में मेरी छत को देखोगे तो पूरी ओपन छत है, मैंने कहीं भी नेट का यूज नहीं किया हुआ है, फिर भी मेरी बॉल घूमती नहीं है और मेरी बॉल छत के नीचे नहीं जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह से सेटअप तैयार करना चाहते हो तो आप लोग भी तैयार कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना हैंगिंग बॉल का सेटअप दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से मैंने यहाँ पे हैंगिंग बॉल का सेटअप तैयार किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक टेनिस बॉल का और एक लेदर बॉल की हैंगिंग बॉल बनाई हुई है, जिससे मैं अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करता हूँ। जब मुझे डिफेंस की प्रैक्टिस करनी होती है तब मैं इस लेदर बॉल का यूज करता हूँ, और जब मुझे ड्राइव्स की प्रैक्टिस करनी होती है तब मैं इस टेनिस बॉल का यूज करता हूँ। ये दोनों हैंगिंग बॉल्स हैं हमारा पहला सेटअप, एक है टेनिस बॉल और एक है लेदर बॉल। इन दोनों ही बॉल्स को मैंने घर पर बनाया है, इनकी इंडिविजुअल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो एक बार जाके उसे भी चेकआउट जरूर कर लेना। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रिल की सेटअप की तरफ। अब आप लोग मेरा सेकंड सेटअप देख सकते हो, ये है कॉन्स, और ये कॉन्स भी मैंने घर पर ही बनाए हैं, इनकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और ये कॉन्स की हेल्प से मैं ड्राइव्स की प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे कवर ड्राइव हो गई, स्ट्रेट ड्राइव हो गई, ऑन ड्राइव हो गई, इन सभी ड्राइव्स की प्रैक्टिस मैं इन कॉन की हेल्प से करता हूँ। और अगर आप इन कॉन्स को देखोगे तो इन कॉन्स को मैंने बोतल की हेल्प से बनाया हुआ है। जो भी हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स आती है उसे यूज करने के बाद फेंक देते हैं, बट मैंने उन बोतल्स को यूज करने के बाद फिर से रीयूज करा है और इस तरह के कॉन्स को तैयार किया हुआ है, जो मेरी प्रैक्टिस में काफी हेल्प करते हैं। और आप लोग भी इसी तरह से कॉन्स को बना के अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हो घर पर। अब मैं आपको थर्ड सेटअप की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है। गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप लोग एकेडमी में अंडर आर्म नॉकिंग करते हो उसे आप घर पर अकेले कर सकते हो बिना किसी पार्टनर की हेल्प के। तो भाई, इस ड्रिल को देखने से पहले एक लाइक तो बनता ही है, तो फटाफट से लाइक कर दो। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इस ड्रिल को करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पैड्स तो नहीं, लेकिन फटाफट से ग्लव्स पहन लेता हूँ, ताकि आप लोगों को ज्यादा बोर फील ना हो। मैं फटाफट से ग्लव्स पहन के आता हूँ, तब तक आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर कर लेना। इस ड्रिल को करने के लिए बस आपके पास टेनिस बॉल होना चाहिए, जो कि आमतौर पर सभी के पास होती है। मान लो आपने हैंगिंग बॉल से प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अब इस प्रैक्टिस को और अच्छे से करने के लिए मैं आप लोगों को एक और ड्रिल बताता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, आपको इस तरह से स्टांस ले लेना है, उसके बाद बॉल को दीवार पे थ्रो करके फ्रंट फुट डिफेंस की प्रैक्टिस करना है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग अकेले नॉकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं आपको सबसे लास्ट सेटअप ड्रिल बताने वाला हूं, तो चलो उस ड्रिल की तरफ चलते हैं। इसके लिए सिंपल आपको एक पार्टनर लगेगा और घर में आप किसी से भी बॉल डलवा सकते हो, जैसे कि आपका कोई भाई हो, छोटा या बड़ा कोई भी चलेगा, मम्मी से भी डलवा सकते हो, पापा से भी डलवा सकते हो, यहाँ तक कि अपनी सिस्टर से भी डलवा सकते हो। तो चलो फटाफट से आगे उस ड्रिल पर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं छत पर प्रैक्टिस करूंगा और इसके लिए मैंने किसी तरह की नेट यूज नहीं की हुई है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे जो हैंगिंग बॉल बनाया था इसी की हेल्प से मैं नॉकिंग की प्रैक्टिस करने वाला हूँ। और बॉल को मैंने रस्सी से अटैच किया हुआ है, अगर ये बॉल बाई चांस बाहर भी चली जाती है उसे हम वापस खींच लेंगे तो हमारे पास वापस आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को नॉकिंग करके दिखाता हूँ कि हम इसकी हेल्प से किस तरह से नॉकिंग कर सकते हैं। तो गाइज, मेरे इस फिक्स शॉट की वजह से आप देख सकते हो कि बॉल नीचे चली गई, लेकिन ये बॉल घूमेगी नहीं, क्योंकि मैं इस बॉल को इस तरह से वापस खींच लूंगा तो ये बॉल वापस मेरे पास आ जाएगी, ये देख सकते हो। तो इस तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट फिर किसी और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिक टेक।